सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। दासी, सबसे पहले तो सभी से क्षमा मांगते हुए कि आज सत्संग आने में 5 मिनट की दासी को देरी हो गई, तो ऐसा चाहे उसको आलस का नाम दें या कुछ भी, कि किसी भी संत के कभी जीवन में ये सत्संग से परे होने के सहलिए कोई ना कोई बहाना या आलस ना आए और सब बिल्कुल अपना मन सेवा सिमरन सत्संग में लगाकर इस निरंकार की याद में हमेशा रंगे रहें। तो आज सत्संग के दौरान जहाँ महापुरुषों ने अनेकों उदाहरण भी दिए कि वो एक स्टोरी भी सुनाई कि किस तरह वो गुरु शिष्यों को कह रहा था कि आपने मौन रखना है, और एक दूसरे की चुप्पी जब टूटी तो दूसरों ने भी कुछ कुछ कहा, तो ये जो कंपटीशन की चाहे बात यहाँ लाए, तो फिर वही एक जो पंक्ति अक्सर सुनी होगी सबने कि व्हेन वी चेंज आवर विजन फ्रॉम कंपटीशन टू कंट्रीब्यूशन देन आवर लाइव्स बिकम अ ट्रू सेलिब्रेशन, कि कैसे हम हमेशा अगर उस होड़ में ही लगे रहें कि दूसरे से आगे निकलना है, हमें एक चाहे दूसरे की ये लकीर मिटा के अपनी को बड़ी करें, तो ऐसे चीज़ें एक इंसान होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि हर एक को जब साथ लेकर ही आगे जाया जाए, जैसे काफ़ी यूथ इस बात से भी रिलेट कर सकते हैं कि कुछ सोशल मीडिया होते हैं जहाँ आपको अपने फॉलोअर्स या एक फ्रेंड लिस्ट को बड़ा करना होता है, तो फिर वो एक होड़ ही लगी होती है, आपस में भी सब पूछते हैं कि आपके पास कितने व्यक्ति जुड़े हैं, हमारे व्यक्ति आपसे ज़्यादा हैं जो हमें देखते हैं हमारी पोस्ट को, तो कैसे एक ये इंसान हमेशा वो कंपटीशन में ही लगा हुआ है, चाहे इस छोटे से लेवल से लेके चाहे वो बड़े भी। हाँ, ये बात सामने भी आती है कि जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है वो इससे बहुत अलग है, चाहे शब्द सेम है। यहाँ एक बात हो रही है कि कैसे अपने मन में हम एक वो नेगेटिव भाव रख के वो कॉम्पिटिशन की ओर ना बढ़ें, सिर्फ अगर ये कॉम्पिटिशन करना है तो अपने मन में ये बात रख के करें कि संसार में तो अनेकों संत हैं, सब संतमति वाले कैसे ब्रह्म ज्ञान को समझे हैं, हमें भी उन्हीं की तरह एक संत सच में बनना है, चाहे नाम तो उस तरह महापुरुष बोला जाता है पर क्या हम सच्चे मायने में महापुरुष हैं, तो वहाँ ज़रूर एक वो देखा जाए कि हर एक की तरह हमें भी वहाँ पहुँचना है, वो यत्न किया जाए अपने जीवन में मानवीय गुण लाकर। तो कैसे हम हमेशा एक यही सोचें कि हम इस संसार में क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किस तरह के हैं हम, क्योंकि देखने में जैसे गीत में भी अभी सुना कि सारे तो इंसान दिखते हैं, पर क्या हमारी नियत इंसानियत की है कि हम एक इंसान के चोले में हैवान बनते जा रहे हैं। जैसे एक शायर ने भी लिखा है कि एक जैसी दिखती थी वो माचिस की तीलियाँ, किसी तीली ने दिए जलाए किसी ने घर। तो कैसे एक हम अगर सब इंसान तो दिख रहे हैं पर हमारा व्यवहार कैसा है, हम अंदर से किस तरह के हैं, जैसे वो माचिस की तीली जो एक डिब्बी में सब एक जैसी है पर वो उपयोग किस तरह अपना कर रही है, कोई तो रोशनी प्रदान करने के लिए दिए में उजाला भर रही है और किसी ने तो एक बर्बादी का कारण अपने आप को बना लिया, ये घर उजाड़ दिए घर जला दिए। तो हम अगर इंसान हैं तो वाकई ही हम एक अपने आप को किस तरह इस समाज के लिए कंट्रीब्यूशन अपनी रख रहे हैं उस पे हमें ध्यान देना है, कि जब ये इतनी बड़ी दात ये ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में है तो फिर ये कारण ही क्या रहा कि हम अपनी सोच को छोटा कर लें, जब ये विशाल हमारी एक आइडेंटिटी हमें पता लग गई है, तो फिर ऐसे किसी से ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं, सिर्फ एक अपनेपन का भाव, हर एक में वो समदृष्टि से हर एक को देखना। तो कैसे हम अपने मनों से वो मनमुटाव भी छोड़ दें, और जब एक छोटे छोटे लाइफ में एग्जांपल्स आते हैं कि किसी से कोई कभी देखा जाता है एक टाइम पे इतनी क्लोज फ्रेंडशिप
और फिर एक छोटी सी घटना होने के बाद वो बातचीत बंद हो जाती है। तो ऐसे हमें अपने रिश्तों को किस तरह आगे सुधारना है, एक बात को ही पकड़ लें या एक लेट गो करते हुए वो एक रिश्ते को ज्यादा अहमियत दें, कि वो चाहे दोस्ती में आए, परिवार में। सो वी शुड नॉट होल्ड ऑन टू थिंग्स दैट मेक अस वेरी नैरो माइंडेड। कैसे हमें एक उन चीजों को नहीं पकड़ना जो हमें और संकीर्ण दृष्टि के बना देते हैं। तो हमें हमेशा ऐसी चीजों को ही करना है कि द थिंग्स दैट डू नॉट होल्ड अस बैक, उन चीजों पर ध्यान देना है। तो ऐसे हमने अपने आप को एक परमार्थ के रास्ते पे चलाना है। इस भक्ति के मार्ग को एक प्राथमिकता देते हुए हमेशा अपना जीवन उसी पे चलाना है। तो दातार कृपा करे हर एक पे, के सेवा सुमिरन और सत्संग ये तीन सिर्फ शब्द ही नहीं, पर एक्चुअली अपनी लाइफ में इनको जब हम डीपली इम्प्लीमेंट कर सकें तो ही हमारा स्वयं का सुधार होगा। जब हम हर एक बात जो चाहे बचपन से सुनते आ रहे हो, इतनी मोनोटोनस भी लगती हो कि बार 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 वही बात, पर कैसे वो बात फिर हमारे अंदर जब वाकई ही घर कर जाती है तो ही चेंज आता है। सिर्फ इससे नहीं कि कान में बात पड़ चुकी है अनेकों बार पहले, पर उस समय जब हम उस बात के प्रति अपने कदम बढ़ाते हैं, तो सिर्फ शब्दों तक ना अपने आप को सीमित रख के कर्म रूप में वाकई ही एक अगर शब्द महापुरुष हमारे साथ जुड़ा है तो वो बने भी एक सिर्फ एक अपना वेल बिहेव नेचर, एक अपने सर्कल तक ही ना लिमिटेड रख के, कि ये कोई महापुरुषों के साथ जब हम विचारते हैं तो हमारी बोली भाषा अलग किस्म की हो और फिर एक अलग सर्कल फ्रेंड्स का उसमें वो गाली गलौज चल रही हो, तो फिर ऐसा भी कोई ये संतमती वाले नहीं करते। तो हमने अपना एक देखना है कि हम सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं, वाकई ही एक चरित्र में हमारे वो सारे गुण हों जो इस मिशन ने हमेशा हमेशा से सिखाया है, और सभी संतों ने युगो युगो से ये जो परमार्थ का रास्ता दिया है। तो हम छोटी से छोटी बात पे ध्यान देते हुए, चाहे वो हमारी बोली हो, चाहे व्यवहार, चाहे सोच, हर एक को हमेशा और अच्छी पावन करने के लिए इस परमात्मा का ही आधार लें, ताकि कोई भी ऐसी बात दिमाग में आए ही ना जो एक हमारे लिए भी हानिकारक हो और दूसरों के लिए भी। तो इसी कामना से दासी आज्ञा लेते हुए फिर जैसे अभी प्रोग्राम्स और अनाउंस्ड सुने भी, तो फिर उसी तरह वेंसडे फ्राइडे और संडे फिर आपके वर्चुअल रूप में आकर दर्शन करके, तो हर एक ने यही भावना मन में कि हमेशा एक परोपकारी हृदय अपना रखें, सिर्फ अपनी ही सोच अपने लिए ही बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं पूरे संसार के लिए वो देते चले जाएं। सात संगत जी धन्यवाद।